अब प्रचार का दौर भी चल रहा है और जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तीसरे चरण में जो मतदान होने वाला है कोडरमा के इलाके में, उसमें कोडरमा के बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र से जानकी यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपनी एक सभा के दौरान अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और जनता का उन्हें पूरा सहयोग भी मिल रहा है। पिछले 5 साल में वो अपने विधानसभा के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनता के बीच रहे, उन्होंने काम किया है और जनता उन्हें इस बार भी जीत दिलाएगी। पिछली बार भी वो चुनाव जीते थे जेवीएम से और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और इस बार बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के कैंडिडेट जानकी यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम यह जानेंगे कि इस बार चुनाव की क्या रणनीति होगी और वो कैसे पुनः इस सीट पर काबिज होंगे, क्या क्या चुनौतियां हैं और किन मुद्दों को लेकर आएंगे। जानकी जी, क्या लगता है आपको, कैसे आप जनता के बीच में जाएंगे और आपके पास अभी चुनौती क्या है? मैं सबसे पहले आपके और आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, महान मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और कमल फूल छाप का उम्मीदवार बनाया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलती है, नीतियों पर चलती है। यही कारण है कि आज सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है। निश्चित तौर पर चुनाव के मैदान में हमने जो पिछले 5 वर्षों में जो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे 108 एम्बुलेंस की बात करें, चाहे कृषि आशीर्वाद में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपये और माननीय मुख्यमंत्री जी का 5,000 रुपये प्रति एकड़ कृषि जो कही आशीर्वाद जो मिल रहा है किसानों के लिए, इन चीज़ों के प्रति जनता के बीच जाऊँगा। और हमने जो पिछले 5 वर्षों से बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कहीं भी मैं चुनौतियों के साथ बोलने के लिए तैयार हूं कि जो आज़ादी के 68 वर्षों तक नहीं हुआ वो हमने 5 वर्षों में करके दिखाया। जानकी यादव का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इनके लिए चुनौती तो है लेकिन अपने किए हुए कार्यों के बल पर वो जनता के बीच जाएंगे और जीत उनकी सुनिश्चित होगी। रही बात उन लोगों की जो इनसे थोड़े नाराज चल रहे हैं, इनका कहना है कि अगर सच्चे भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो वो भी इनके साथ होंगे और इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। कैमरा पर्सन के साथ मनोज कुमार, जयनगर, कशिश न्यूज़।